गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम माधुरी सिंह फ्रॉम SIRT कॉलेज भोपाल। टुडे माय टॉपिक इज़ लेज़र। लेज़र के अगर हिस्ट्री हम देखें तो इसे इन्वेंट किया था लेज़र को 1958 में बाय चार्ल्स राउंस के थ्रू, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1964 में। बेसिकली लेज़र जो है वो आइंस्टीन के आइडिया पे बेस्ड है। आइंस्टीन ने डुअलिटी ऑफ नेचर बताया था कि लाइट एक दोहरे तरह का नेचर रिप्रेजेंट करती है, जिसमें वो खुद का वेव नेचर तो बताती है, दूसरा पार्टिकल नेचर भी बताती है। लेज़र का पहले जो नाम हुआ करता था वो मेज़र था, जिसे अब हम लेज़र बोलते हैं। लेज़र हर जगह यूज़ हो रही है हमारी लाइफ में, हर जगह लेज़र का यूज़ कहीं ना कहीं होता है। चाहे हम उसमें मेडिकल फील्ड में देखें, चाहे हम उसे मिलिट्री फील्ड में देखें, डिफेंस फील्ड में देखें, या फिर हम अपने वेदर फोरकास्टिंग की बात करें। इवन हम कोई प्रेजेंटेशन भी देते हैं, कोई पॉइंटर करके हमें कोई चीज़ बतानी पड़ती है तो उसके लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रिंटिंग का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। स्किन ट्रीटमेंट भी लेज़र के थ्रू कराए जा रहे हैं। कोई सर्जरी करानी होती है तो उसके लिए भी हम लेज़र का ही यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरह से बोलें कि लेज़र हमारी लाइफ में हर जगह है। लेज़र क्या होता है? लेज़र एक अपने आप में एक पूरा वर्ड है, एक कंप्लीट वर्ड है, जिसका अगर मैं यहाँ फुल फॉर्म बोलूँ तो L को एक्सटेंड करता है लाइट को, A एक्सटेंड करता है एम्प्लीफिकेशन को, S स्टिमुलेटेड अमीशन, E अमीशन है, R आपका रेडिएशन है। मतलब अगर हम बोलें इसका फुल फॉर्म लेज़र का तो आप बोल देंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड अमीशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक डिवाइस है जो कि स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करती है। लेज़र से जो भी लाइट आपकी प्रोड्यूस होगी, जो बीम आपकी निकलती है, वो बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और उसकी कोहेरेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ये स्टिमुलेटेड अमीशन के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा होता है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं डिफ़ाइन करूं, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को करेक्टराइज़ करता है। बेसिकली इन तीन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इससे लेज़र लाइट को नॉर्मल लाइट से डिफ़र कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं। इसमें पहला है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब कलर या वेवलेंथ। ठीक, तो ऐसी बीम या ऐसी लाइट जो कि आपके सिर्फ एक कलर की या एक वेवलेंथ की लाइट दे रहा होता है, एक वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा आपकी लाइट का, उसी को हम क्या कहेंगे? मोनोक्रोमेटिक कहेंगे। जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेवलेंथ, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती है लाइट की। डायरेक्शनल की बात करें तो लेज़र से जो लाइट अमिट होती है वो बहुत एक स्पेसिफिक रीज़न पे या स्पेसिफिक डायरेक्शन पर ही जाती है ना। उसमें नेरो डाइवर्जेंस होता है, बहुत कम डाइवर्जेंस होता है, नेरो बीम निकलती है, बहुत पतली सी बीम है ना। जबकि ऑर्डिनरी लाइट, जैसे कि हम बल्ब लेके चलें, तो ये बल्ब में से जब भी लाइट अमिट होती है तो वो पूरी डायरेक्शन पे हर जगह पर फैल जाती है ना। इसीलिए इसकी डायरेक्शन की हम बात करें तो लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनली होती है, ये एक ही डायरेक्शन पे जाएगी, जबकि ऑर्डिनरी लाइट आपकी किसी भी डायरेक्शन पर जाएगी। कोहरेंट होता है लेज़र हमारे पास। कोहरेंट का मतलब जिसका फेस देखें, अगर हम लाइट का फेस देखें वो कांस्टेंट होता है, और टाइम भी कैसा रहेगा उसमें चलने का उनके फेस का, वो भी कांस्टेंट रहता है। जबकि ऑर्डिनरी लाइट बहुत सारी वेवलेंथ उसमें मिक्सअप होती हैं, जिस वजह से हर वेवलेंथ का फेस और टाइम चलने का जो होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे लाइट को अलग बताती हैं ऑर्डिनरी लाइट से, है ना। मोनोक्रोमेटिसिटी की जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मोनोक्रोमेटिसिटी मतलब कि नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट के बराबर, है ना। मतलब यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो एक सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ के नियरेस्ट होगा। जबकि सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ दिया है, आपके पास ब्लू और रेड कलर की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का वेव यहाँ पे मैंने बनाया है, वेव लाइट बनाई है। तो ये वेव्स आप देख रहे हैं, ये सेम फेस पर तो हैं, बट इनका टाइम कैसा है, चेंज है। इवन इनके क्रस्ट और ट्रफ देखें तो वो अलग अलग जा रहे हैं। क्रस्ट जो आपके ऊपर की तरफ
एनहांस होते हुए दिख रहे हैं, पीक दिख रहे हैं जिनमें, वो उन्हें हम क्रस्ट कहते हैं। जो नीचे की तरफ पीक दिख रहे हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग जा रहे होते हैं। डायरेक्शनली की बात करें, जैसा मैंने बताया कि एक बल्ब में लाइट कैसी प्रोड्यूस होती है, वो हर जगह फैल जाती है, है ना। आप घर में अगर बल्ब जलाएं, ट्यूबलाइट जलाएं, तो उसका आपको जो लाइट का एरिया है वो उसके पर्टिकुलर रीजन तक ही दिखाई देगा। लेकिन लेज़र की डायरेक्शन एक ही होती है, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाती है। कोहरेंसी की बात करें तो इनकोहरेंट लाइट वेव्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अलग अलग कलर की मैंने यहाँ लाइट्स ली हैं, जिनके क्रस्ट और ट्रफ अलग अलग जा रहे हैं। किसी का भी क्रस्ट और ट्रफ समान नहीं है, जबकि कोहरेंट लाइट वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ ही कम हो रहे होते हैं। इनका अगर हम देखें, एक साथ क्रस्ट मिलेंगे आपको, तो इनका जो फेस है वो एक जैसा जाएगा टाइम के साथ। टाइम के साथ इनका फेस अगर बढ़ रहा है एक ही टाइम पर, तो सारे फेस एक साथ ही एक ही टाइम पर इंक्रीज होंगे और एक ही टाइम पर डिक्रीज होते हैं। अगर मैं इनको इनकैंडिसेंट वर्सेस लाइट, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, इन दोनों का कंपैरिजन लूँ, तो हम बोल सकते हैं इनकैंडिसेंट्स जो लाइट्स होती हैं वो बहुत सारी वेवलेंथ की होती हैं, इसमें मल्टी डायरेक्शन होती हैं और ये इनकोहरेंट होती हैं, जबकि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, डायरेक्शनल होती है और कोहरेंट होती है, है ना। लाइट यहाँ पर हमने बोला था ना कि क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टिमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ लाइट आपके पास हर तरह की हो सकती है। ये लेज़र लाइट ऑपरेट करती है विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रीजन पर, है ना। इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स को मैं यहाँ समराइज़ करके बताना चाह रही हूँ आपको, जिसमें हम देखें तो ये लाइट को एम्प्लीफाई करता है, लाइट की इंटेंसिटी को इनक्रीज़ कर रहा होता है। यहाँ जो लेज़र होता है, जो आपके बेसिक स्लो होते हैं लाइट के, उनको फॉलो कर रहा होता है, चाहे रिफ्लेक्शन कर रो लो हो, चाहे आपके रिफ्लेक्शन कर लो हो, ये इन्हें फॉलो करेगा। ये लेज़र लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रिक्वेंसी अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में के इनसाइड होती है, इनमें प्रेजेंटेबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। ये प्योर क्रोमेटिक होती हैं, ये ट्रांसमिट भी कर सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। और इन लेज़र लाइट्स के थ्रू जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसमें कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का। ये लेज़र लाइट आपको पल्स के फॉर्म में भी मिल सकती है और कंटिन्यूस लेज़र के फॉर्म में भी मिल सकती है। थैंक यू।